नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के वनखेड़ी में किसान संघ ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। वर्तमान समय में जो मूंग की विसंगतियां निर्मित हुई हैं, उसको लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार राजीव कहार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि बनखेड़ी मूंग उत्पादन विशेष क्षेत्र है, यहां तत्काल प्रभाव से तुलाई केंद्र खोला जाए, खरीदी प्रारंभ की जाए, मूंग पंजीयन सत्यापन तत्काल प्रभाव से किया जाए, मूंग खरीदी प्रति एकड़ कितनी है जिसकी जानकारी बताई जाए एवं 6 क्विंटल प्रति एकड़ मूंग खरीदी जाए। अचानक बिगड़े भारी वर्षा के मूंग फसल को भारी नुकसान हुआ है, इसका तत्काल सर्वे कराया जाए। ज्ञापन में ब्लॉक अध्यक्ष विकास स्वामी, जितेंद्र भार्गव, गेंदीलाल पटेल, मनीष पटेल सहित अन्य किसान मौजूद रहे। वनखेड़ी से धर्मराज पवार की रिपोर्ट। आपने जो अभी सेट देखे पूरे खाली पड़े हैं और यहाँ चाहे प्रशासन तो बहुत शानदार व्यवस्था के तहत यहाँ बनखेड़ी में मूंग खरीदी हो सकती है। जब जब बनखेड़ी में एक दाना मसूर का पैदा नहीं होता तो ये बनखेड़ी मंडी में मसूर का तुलाई केंद्र बनता है और यहाँ मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा मूंग उत्पादक क्षेत्रीय किसान कर्मठ यहाँ बैठा है। ये सैकड़ों मजदूर यहाँ जो काम कर रहे हैं ये बेरोजगार हो जाएंगे पूरी तरह, और सबसे ज़्यादा तेज मूंग पैदा करने वाला किसान आज पिपरिया ले जाने को मजबूर है। यहाँ छोटे किसान 4 बोरा मूंग जिनके पास पैदा हुई है वो कैसे डीजल डालेगा, डीजल वैसे ही महंगाई बढ़ गई तो डीजल महंगा हो गया तो कैसे पिपरिया जाएगा, कैसे भाड़ा देगा, ये प्रशासन स्वयं हमको बताए। और किसके दबाव में बनखेड़ी में ये केंद्र नहीं बनाया जाता, बनखेड़ी का पिपरिया में बार बार केंद्र स्थापित करना ये यहाँ के किसान के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। और हम तो प्रशासन से गुहार करते हैं, मांग करते हैं कि बनखेड़ी की कृषि उपज मंडी, थाना प्रांगण परिसर, तहसील, कृषि विभाग और अन्य जितने भी विभाग हैं उन सबको उठा के आप पिपरिया ले जाओ, जब यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ का कोई इंसान की किसान की कोई कदर नहीं है तो आप ये सारे विभाग जाके पिपरिया में खोलें, या फिर बनखेड़ी के किसान के साथ भी न्याय संगत पूरी प्रमाणिकता के साथ काम करे प्रशासन। ये किसके दबाव में पिपरिया में केंद्र खोल रहे हैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ बनखेड़ी में हर हालत में बनखेड़ी मंडी में केंद्र खुलना चाहिए, क्योंकि ये जो सैकड़ों मजदूर खड़े हैं, थोड़ा बता दो इधर कितने मजदूर हैं, ये पूरे पूरे बेरोजगार हो जाएंगे। और ये यहाँ के जो किसान हैं वो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए बनखेड़ी मंडी में हर हालत में केंद्र खुलना चाहिए, या फिर बनखेड़ी का पिपरिया का मोहल्ला नाम रख दें, बनखेड़ी का नाम ही बदल दे प्रशासन। या शासन समझ में नहीं आता क्या करते हैं, ऐसा क्या चिढ़ है बनखेड़ी के लोगों से, बनखेड़ी के किसानों से, यहाँ इतनी मूंग पैदा होने के बाद भी यहाँ केंद्र नहीं खोला जाता। हम मांग करते हैं, नहीं तो हम पूरी प्रमाणिकता के साथ यहाँ जमीन पर लड़ाई लड़ेंगे और हर प्रकार का उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ पुतला दहन भी होगा, चक्का जाम भी होगा और भी उग्र आंदोलन जो जरूरत पड़ेगी, जिस प्रकार की पड़ेगी उस प्रकार के आंदोलन इस बनखेड़ी की धारा से किए जाएंगे, जिनकी सारी जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। धरती मैया की जय।